I am S.K. मिश्रा एंड आई वेलकम यू। पांच फ्रेजल वर्ब्स फिर आपके सामने हाजिर हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है जेट अराउंड। सबसे पहले तो मैं बता दूं फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं। क्रिया के साथ कोई प्रेपोजिशन आना एक फ्रेजल वर्ब बनाता है जेट अराउंड। जेट अराउंड ये फ्रेजल वर्ब है। अर्थ है इसका किसी के लिए परेशानी पैदा करना। अब कुछ लोग ये दुष्ट होते हैं, दुष्ट लोग हमेशा दूसरों के लिए परेशानी पैदा करते हैं। द विकेड ऑलवेज जैक अराउंड द पीपल। द विकेड ऑलवेज जैक अराउंड द पीपल। एक चीज और बता दूं मैं कि ये फ्रेजल वर्ब केवल न्यूज़पेपर यानी अंग्रेजी अखबारों तक ही सीमित नहीं है, कहीं भी इनका आप यूज देख सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। कई लोगों को गलत फहमी है ये तो न्यूज़पेपर के हैं इसलिए इनको और जगह यूज नहीं किया जा सकता, इनको कहीं भी यूज किया जा सकता है और कहीं भी दूसरे लोग यूज करते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। जैक अराउंड माने किसी के लिए परेशानी पैदा करना। द विकेड ऑलवेज जैक अराउंड द पीपल। लोगों में परेशानी पैदा करते हैं जो दुष्ट लोग होते हैं। जूस, आप किसी चीज का जूस निकाल के सरलीकरण करके लोगों को दे देना। जैसे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बहुत सरलीकृत सरलीकरण करके अंग्रेजी देता हूं, बहुत सरलीकरण। बच्चे भी, छठे क्लास के बच्चे भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। जूस अप अत्यंत सरल बनाना किसी चीज को। आई हैव जूस्ड इंग्लिश अप। मैंने अंग्रेजी को बहुत सरल बना दिया है। किक अबाउट चर्चा करना। वीकेंड अबाउट द मीटिंग। हमने मीटिंग के बारे में, सभा के बारे में चर्चा की। नॉक अराउंड लापरवाही से चर्चा करना, सीरियस चर्चा नहीं करना। मैटर सीरियस है लेकिन चर्चा इधर उधर की करना, जैसे आप लोग जानते हैं आजकल कितना चल रहा है। लापरवाही से चर्चा करना, इट इज ए सीरियस मैटर, प्लीज डोंट नॉक अराउंड। अरे भाई ये बहुत सीरियस गंभीर मामला है, इसमें तो कम से कम मजाक मत करो, लापरवाही से चर्चा मत करो। अब देखें नकल अंदर, नकल डाउन, नकल अंदर भी होता है जिसका माने होता है मान लेना। नकल डाउन पूरी लगन से काम शुरू करना, नकल डाउन। आई विल नकल डाउन फ्रॉम टुडे। आज से मैं पूरी लगन से, मेरे एग्जाम आ रहे हैं भाई, अगले सप्ताह एग्जाम है, तो मैं आज से पूरी लगन के साथ पढ़ूंगा, काम करूंगा। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।